यार तू इतना डेयरिंग कब से हो गया? आखिरी बार है रे, इतना डेयरिंग कब से हो गया? देखो तो सही कितनी हाइट है यहाँ पे, देखने में डर लग रहा है, खतरनाक है ना। इसकी क्यों नहीं फट रही इतना छोटा होने के बावजूद? मम्मी ने आते हुए मना किया था कि इस तरह से कोई स्टंट वटंट कुछ एडवेंचर मत करना, डर लगता है, लेकिन ये पीयूष मान ही नहीं रहा। यार बोल रहा है करवाओ, क्यों सेफ्टी है, आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी है कह रहे हैं वो। सर इससे छोटा 4 साल का बच्चा करा रखा हमने, 4 साल के बच्चे को भी कोई बहुत थोड़ी, कोई यहाँ पे 5 साल से ऊपर कोई भी कर सकता। चल तू कर यार कर, कोई बात नहीं, इससे बड़े बड़े करने हैं अभी तो, लाइफ में क्या क्या नहीं करना है, बीच में अटकाऊंगा तब करना ना। चलो भाई इसको पता नहीं डर कैसे नहीं लगता यार, मैं भी करूंगा। करेगा? हाँ। चल तू भी कर लियो, पहले एक बार पीयूष को करने दे, सबसे पहले यही जा रहा है देख लो। वहाँ भी 7 साल है, सबसे पहले वहाँ से कैसे आएगा ये? रस्ता चल पैदल अकेले आएगा? भाई मुझे डर लग रहा है, जा ये रहा है, डर मुझे लग रहा है। और रुक जा ध्यान से बताएं, जैसा ये बताएंगे वैसे करना। रुक गया, वो भाई गया, ये देखो कितनी नीचे है, डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा भाई, लटका दिया उसको, लटका दिया। तो फिलहाल साहिल की बारी है, साहिल भी जा रहा है, पीयूष तो गया, बेस्ट ऑफ लक। तो अभी साहिल का कॉल आया वहां से, साहिल कह रहा है तू भी ट्राई कर, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। तो मैं भी जाता हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी धक 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 हो रहा है मुझे, तो पानी के ऊपर वाला तो किया है मैंने, बट इतनी हाइट वाला नहीं किया है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। साहिल ने बहुत फोर्स किया कर कर करके, इसीलिए कर रहा हूँ मैं। ध्यान से भैया टाइट करना यार, भैया प्लीज भैया टाइट करना। तो फिलहाल भैया भी आ गया, देखो वो रे, अरे वाह, नीचे देखो, वेरी नाइस, वेरी गुड, नीचे देखो जोरदार, अरे वाह वाह वाह, आ रहे मजा, नीचे देखो, नीचे नीचे तो देखो, नीचे तो देखो, ये अरे वाह, आया मजा, वेरी नाइस, वेरी गुड। देख व्यूज, देख डर लग रहा है, मुंह देख, मजा आया लेकिन भाई, है ना, पहले भैया नहीं कर रहे थे, मैंने कहा करो, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आया तो यहाँ पे पहले पीयूष ने दिखाई हिम्मत, फिर मैंने करा, फिर भैया ने करा। ये कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं भी करता हूँ। अरे मेरे को डर नहीं लगता भाई, मेरे को ऊंचाई से डर नहीं लगता, जबरदस्ती कर भाई, कर कर कर। तो फाइनली गाइस कर ही लिया, लिटरली अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत डर भी लगता है क्योंकि इतनी ऊंचाई है ना, देखो इतनी ऊपर से वहां से हम यहाँ आए हैं, लिटरली वहां से तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब बीच में आया ना बहुत डर लगा। व्हाइट सर आ जाओ, किसी कैसा लगा? सबसे पहले यही गया यार, हिम्मत बंद, इसको भी उतारना पड़ेगा ना। तो वॉइड सर भी आएंगे, मैंने उनको बोल दिया कि आ जाओ, बहुत मस्त एक्सपीरियंस है। तो देखो हम कुछ इस तरह से आए थे इतनी दूर से, बाकी सब तो बढ़िया था, बढ़िया एक्सपीरियंस था, बट अब घर जाके मम्मी जब व्लॉग देखेगी तब गुस्सा करेगी, मना किया था ना आज के बाद नहीं भेजूंगी, लेकिन इसने जिद करी, इसकी वजह से फिर साहिल गया, फिर मैं गया, फिर वॉइड सर आ रहे हैं। अब लाइफ में सारे एक्सपीरियंस जरूरी है, स्काई डाइविंग भी करनी है अभी तो, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग भी करेंगे। तो पहले नहीं कर रहा था, मैं भी नहीं कर रहा था, मुझे लगा नॉर्मल होगा, लेकिन नॉर्मल नहीं है, बहुत डर लगता है। तो वॉइड सर भी आ गए हैं, वॉइड सर नीचे देखो, कैसा लग रहा है? मजा आ गया ना। बस हमारे निर्मल भैया रह गए हैं, अब वो भी आ रहे हैं, फिर हम जाएंगे ऊपर वापस। निर्मल भैया भी आ चुके हैं, नीचे देखो नीचे। क्या खाना चाहोगे? पकौड़े? कुछ भी, पकौड़े तो ले, पकौड़े कर दो, एक फुल है, एक फुल कर दो, और मैगी, मैगी खाओगे? मैगी कर दो। तो यहाँ पे ताजा ताजा पकौड़े बन रहे हैं, सबसे पहले मैगी पीस के आती है, बिकॉज ये बिल्कुल प्लेन खाता है, सिंपल बना दो बस। तो ये देखो गाइस अनोखा टैलेंट सर्दी से बचने के लिए, तो अपनी चाय भी आ गई है, लेकिन कम है यार। चलो फिलहाल अब टाइम लैप्स लेते हैं यहाँ पे, उसका सही है, इसके पास चाय नहीं है, लेकिन दूसरों में से डुबा के खा रहे हैं। तो गाइस ठंड से इतनी हालत खराब हो गई है जितनी कभी भी नहीं हुई हमारी, जल्दी से जाते हैं गाड़ी के पास और मैं अपने गर्म कपड़े डालता हूँ। ये उल्टे रास्ते से जा रहे हैं, देखो शॉर्टकट लेके, पूरे जंगल में ऐसा लग रहा है कि मतलब नेचुरल पूरा एसी एसी है। तो मंदिर घूम लिया हमने,
और मस्त वाला व्यू, चट्टान वगैरह भी, थोड़ा एडवेंचर भी कर लिया हमने। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ, देखते हैं किस तरह का होटल है, वॉइड सर ने बुक करा है। बाकी रास्ता तो मस्त है जाने का। तो गाइस ये वाला पेड़ देखो कितना क्यूट लग रहा है, एकदम यू शेप बना हुआ ऊपर से। तो गाइस हम पिछले इतनी देर से ना जंगलों में घूम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ इन्होंने होटल बुक करा है, पता नहीं हमको खाना पीना भी मिलेगा क्या, हमको पत्तियाँ खानी पड़ेंगी या क्या, मतलब इतनी देर से ड्राइव कर रहा हूँ मैं, अभी तक हमारा होटल ही नहीं आ रहा है। और रास्ता देखो एकदम शिमला जैसे लग रहा है, शिमला जैसे पेड़ है, डिनर अपना जंगल में ढूंढ रहा है। मतलब जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे कोई और गाड़ी दिखी नहीं रही है, सिर्फ एक गाड़ी दिखी अभी तक हमको पूरे रास्ते में, सिर्फ एक गाड़ी, एक घंटा हो गया एक गाड़ी। हाँ एक गाड़ी और दिख गई, रास्ता भी काफी पतला सा है यहाँ पे। तो फाइनली आ चुका है होटल, रेजोर्ट कुछ भी कह लो, यही है ना। गाड़ी यही लगा दूं, लगा दो एक बार देखो, तुम उतरो तो सही, मस्त है रे, मस्त लग रहा है ना, ये है क्या। हमने कहा ऐसी जगह इतने घने जंगल में कैसा सा होगा, मैंने कहा पत्थर का बैठेगा आदिवासी जमा उनका। चलो फिर उतरो मैं गाड़ी लगा दूंगा ना। जंगलों में से निकल के हम पहुंच चुके हैं अपने रिसॉर्ट में, काफी मस्त लग रहा है देखो बाहर से ही, हिमालयन रिसॉर्ट। थैंक यू भाई, यू सी क्या मस्त बना रहा है, फ्रेश होते अभी चलते हैं ना ऊपर, यही रिसॉर्ट ही घूमेंगे पहले, बहुत मस्त बना रखा है यार, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इतने घने जंगल में। अरे वाह यहाँ से भी मस्त व्यू है, तो हमारा रूम शायद ऊपर ही है। अरे यहाँ से हिमालय दिखता है, अच्छा अभी क्लाउड है इसलिए नहीं दिख रहा। तो गाइज अभी हम अपने रिसॉर्ट में पहुंच चुके हैं, तो मैंने टाइम लैप्स तो लगा दिया यहाँ पे, अभी होता रहेगा आराम से एक डेढ़ घंटे तक है। अरे हाँ यह आज का हमारा तीसरा टाइम लैप्स है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखो इनकी पहाड़ी टोपी, ये बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सर, आप भी बहुत प्यारे हो। थैंक यू सर। आपकी चाय भी, चाय जरूरी है ठंडे मौसम में। तो गाइस फाइनली हमारा गाना आ चुका है फटी जीन्स, जो कि हमने शूट किया था, इसमें पीयूष भी है, मैं भी हूँ, और सर का गाना है, सर ने गाया और बहुत मस्त रैप सॉन्ग है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करना, सर के चैनल पे आ चुका है फटी जीन्स, बहुत फन टाइप का है, बहुत मजा आएगा आपको, मतलब तीन चार बार सुनना और फिर तो मतलब फुल फ्लो में मजा आ जाएगा। तो हम लोगों को ये वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा मजा आया, पीयूष सौरभ हम लोगों ने पागल वाली मस्ती करी। हाँ वो तो आपने व्लॉग में भी देखा था और म्यूजिक वीडियो में भी देखना, फुल मस्ती करी हमने, बस मस्ती करी है। तो अभी गाइज रात हो चुकी है, सामने का व्यू देखो, वो है सामने अल्मोड़ा, कितनी मस्त लाइट दिख रही है, और यहाँ पे अपना एडिटिंग टेबल बाहरी, वॉइड सर है यहाँ पे, निर्मल भैया है, बाकी दोनों भाई तो अंदर है, सैलदा तो सो गए, और ये अपना यहाँ पे कार्टून देख रहे हैं। चलो फिर खाना वाना ऑर्डर करते हैं या फिर वहीं चलना खाने। और ठंड से बचने के लिए मैंने तो जैकेट भी डाली है, अंदर से ये गर्म टी शर्ट भी डाली, एक और टी शर्ट डाली है, देखो इतनी ठंड हो रही है लिटरली यहाँ पे, फिर भी ठंड लग रही है। चलो चलो डिनर नीचे है, तो खाने के लिए भी बढ़िया है यहाँ पे। पीयूष को गेम्स दिख रही है, यहाँ पे गेम्स है ना, देखो कह रहे गेम्स खेलनी है। कहाँ जंगल में आके इतना खतरनाक रिसॉर्ट बना रखा है। एक चीज बहुत बढ़िया है, सब ने पहाड़ी टोपी डाली है, खाने के बाद जो करना है कर लियो, पहले खाना खा लिया यार, बहुत भूख लगी है। तो अभी डिनर करके आ गया, अब खेल सकते हैं हम आराम से, यहाँ पे एयर हॉकी भी है, पूल भी है, और बच्चों वाले गेम भी हैं, कैरम बोर्ड भी है, उछलने वाला भी है, सब कुछ ही है। तो पीयूष को तो बस यही पसंद आ रहा है, उछलने वाला, ये छोटे बच्चों का भाई, तू ज़्यादा बड़ा है इसके लिए। चलो कंटिन्यू कंटिन्यू, इनको रोकना पड़ता है बार बार मुझे। तो पीयूष काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, इसको खेलना ही नहीं आ रहा। अरे वाइट को मारते हैं, मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, चलो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, क्या इसको डाल के फाउल होता है, बच गए रे। अरे मुझे आता है, मुझे आता है, इसको मार रहे हैं उधर से उधर इधर से भाई, बहुत मुश्किल है भाई। तो गाइस मैं तो फर्स्ट टाइम खेल रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूं। हां आप सही मारा है, नहीं गया, गया अभी भी नहीं। अरे इसको भी आ गया भाई, देखते हैं पहले कौन मारता है, पीयूष या सर। एक एक बारी सर की, एक बारी पीयूष की। नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। बच गई, बच गई। तो यहाँ पे घमासान युद्ध छिड़ चुका है। यार चीटिंग मत कर,
अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसे मत करो कोई। अरे दूर करने दो कर लेगा, करेगा कर सकता है। अरे चुप रहो तुम, करने दो। ए, गई, हार गया। वैसे चीटिंग कर रहा था ना, अब नहीं, अब देखना इसकी खुल बेइज्जती होगी। ये देखो, ये देख साहिल सिखाएगा तेरे को, साहिल सिखाएगा। तो खेलना तो आता नहीं है, और क्या खेलना। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं रात में गाड़ी लेके सफारी पे हमारी। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल की साइड। हम सोचे कि रात को अगर हमको बाघ वगैरह दिख जाए तो कहीं, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, अंधेरे में निकलता है ना बाघ। गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं, थोड़ी आगे तक चलते हैं, दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो अभी तक तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है। अब अगर बीच रोड में कोई साड़ी में औरत खड़ी हो। अरे नहीं ना, हम जानवर ढूंढने गए हैं। नहीं, पता है क्या हुआ? नहीं यार, हम जानवर ढूंढने जा रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ ढूंढने जा रहे हैं भाई। डरा दिया, सच्ची में डरा दिया आज तो। हैप्पीज भी डर गया देखो। तो गाइज हम आए तो यहाँ पे एनिमल्स को ढूंढने थे, और यहाँ पे इतना डर लग रहा है, लिटरली इन्होंने डरा दिया। ऐसी बातें कर रहे हैं ना, कि एकदम से आ जाएगी, बोनेट पे चढ़ जाएगी कोई, एकदम से लाइट बंद हो जाएगी भाई, स्त्री आ जाएगी। होता है भाई, ये मैंने देखा है, लिटरली बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जय गणेश जी, भगवान जी की। तो अब फुल पॉजिटिव एनर्जी आएगी, इनको देखता रहूंगा मैं बस। अब चाहे तुम कैसी बातें करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इनको देखता रहूंगा। तो फाइनली हम रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। अब जान में जान आई, लिटरली बहुत डर गए थे, बहुत ही ज्यादा। तो फिर यही आ गया, चल अब चलते हैं रूम में, मुझे एडिटिंग करनी है। इनको खेलने देते हैं, मेरे को एडिट करना है यार, अपलोड भी करना है, सुबह 8 बजे आएगा ना। तो अभी गाइस रात के बज चुके हैं 1:14, और अब जाके मेरी एडिटिंग कंप्लीट हुई है। बाकी सभी ये ऐसी बातें कर रहे हैं, और बस फिलहाल इसको अपलोड हुआ, मैं सो जाऊंगा, और कल मैं आपको दिखाऊंगा पूरा रिजॉर्ट अच्छे से सुबह उठ के, और बस कल हम वापस चल जाएंगे हल्द्वानी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। कुछ है, कुछ था, कुछ है नहीं, ये दिखना है, नहीं ऐसे मत करो, भाई ऐसे कर, लाइट ऑफ करा, कोई नहीं, लाइट ऑन करी, कोई बंदी खड़ी सामने, कोई ओ, भाई, गाड़ी छोड़ के वो तेरे पीछे भागेगी फिर। ओ भाई ऐसे मत बोलो यार, डर लग रहा है मुझे।